हे गाइस, माय नेम इज़ राहुल कुंतल और आज हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन कोर्ट की। आज हम बैडमिंटन कोर्ट का मार्किंग प्लान बनाएंगे। ये हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन पहले हमने फुल डायगोनल से बनाया था। इस बार हम उसे हाफ डायगोनल से बनाएंगे। और हाफ डायगोनल का यूज़ कब होता है? इस डायगोनल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास पोल्स पहले से सिचुएट हो, मतलब पोल्स हमारे पास लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये ग्राउंड की मार्किंग का कुछ नहीं पता, तो हम उसे कैसे मार्क करेंगे? तो इसलिए हम हाफ डायगोनल का यूज़ करते हैं। तो आज हम हाफ डायगोनल से बैडमिंटन कोर्ट को मार्क करने का प्लान बनाएंगे कि उसे हाफ डायगोनल से कैसे मार्क करना है। सो गाइस, वेलकम टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड लवर्स वेलकम्स यू। तो इसकी मार्किंग से पहले हम इसकी मेजरमेंट के बारे में जान लेते हैं कि इसकी मेजरमेंट्स क्या होंगी। तो इसकी मेजरमेंट्स में जो इसकी साइड लाइन होती है वो 13.40 मीटर्स की होती है और जो एंड लाइन होती है वो 6.10 मीटर्स की होती है। और इसके बाद जो इसकी शॉर्ट सर्विस लाइन होती है वो शॉर्ट सर्विस लाइन जो होती है वो सेंटर लाइन से 1.98 मीटर की दूरी पर होती है। और इसके बाद जो इसकी साइड लॉबिंग होती है वो 46 सेंटीमीटर की होती है और जो बैक लॉबिंग होती है वो 76 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद जो सेंटर सर्विस लाइन है, जो सेंटर सर्विस वो बिल्कुल कोर्ट के सेंटर से होती है जो कि 3.05 मीटर की दूरी पर होती है, साइड लाइन से 3.05 मीटर्स की दूरी पर। इसके बाद हम इसका निकालेंगे हाफ डायगोनल। तो इसका हाफ डायगोनल के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि हम अपनी हर वीडियोज में हर ग्राउंड की मार्किंग में यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो जो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम यहाँ पर इसका हाफ डायगोनल निकालेंगे वो निकल के आएगा 9.060 मीटर्स। तो इसका जो हाफ डायगोनल निकल के आता है वो आता है 9.060 मीटर्स। अब हम शुरू करते हैं इसकी मार्किंग, कि इसकी मार्किंग को हम कैसे ग्राउंड पर एक्सप्रेस करेंगे। तो मान के चलो कि हमारे पास ये जो पोल्स हैं, ये हमारे पास पोल पहले से लगे हुए हैं, तो हम ग्राउंड की मार्किंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोल टू पोल एक लाइन ले लेंगे। ये हमने पोल से पोल तक एक लाइन ले ली जिसकी जो चौड़ाई है वो 6.10 मीटर है। तो हमने सबसे पहले ये लाइन ले ली। अब हम क्या करेंगे कि इस एंड से और इसके सामने एक आर्क डालेंगे डायगोनल डिस्टेंस का, जो कि है 9.060 मीटर। तो सपोज हमने ये डायगोनल लिया और फिर यहाँ पर हम एक आर्क लगा देंगे डायगोनल डिस्टेंस पर, और फिर इस वाले एंड से इधर की तरफ एक आर्क लगाएंगे जो हमारी साइड लाइन है हाफ 6.7 मीटर्स का। तो यहां से हमें आर्क लगाएंगे और जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। सेम काम हमें दूसरी तरफ करना है। यहां से एक आर्क लगाएंगे डायगोनल डिस्टेंस का 9.060 मीटर्स का। तो यहां से हमने एक आर्क लिया फिर हम साइड लाइन डिस्टेंस का एक आर्क लेंगे 6.7 मीटर्स का। और जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह पर हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे और फिर पॉइंट टू पॉइंट हम इस लाइन को मार्क कर लेंगे। ये हमारी इसके जस्ट पैरेलल दूसरी साइड लाइन बन के हो गई है, एंड लाइन बन के हो गई है तैयार, जिसकी जो दूरी है वो 6.7 मीटर्स है। फिर हम इन पॉइंट्स को भी मार्क कर लेंगे, सेम इस वाले को भी। अब ये हमारा हाफ कोर्ट बन के हो गया तैयार, हाफ कोर्ट का जो रेक्टेंगल है ये हमारा बन के हो गया तैयार। सेम काम हमें दूसरे हाफ कोर्ट के लिए करना है। ऐसे ही इस वाले एंड से इधर की तरफ एक आर्क लगाएंगे डायगोनल डिस्टेंस का। ये हमने डायगोनल डिस्टेंस पर आर्क लिया, सेम इधर से साइड लाइन डिस्टेंस का आर्क लगाएंगे और जहां पर दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस जगह को पॉइंट कर लेंगे। सेम इधर करना है हमें डायगोनल डिस्टेंस का एक आर्क इधर आर्क लगाएंगे और एंड लाइन साइड लाइन डिस्टेंस का एक आर्क इधर, फिर उस पर आर्क लगाएंगे और आर्क इंटरसेक्शन पर हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे, एक नील लगा देंगे, फिर हम इस लाइन को मार्क कर लेंगे। ये हमारी
दूसरी एंड लाइन बन के हो गई तैयार, जो कि सेंटर लाइन के जस्ट पैरेलल होगी। अब हम साइड लाइंस को भी मार्क कर लेंगे। ये हमारे बैडमिंटन कोर्ट का रेक्टेंगल बन के हो गया तैयार, पूरे बैडमिंटन कोर्ट का रेक्टेंगल बन के हो गया तैयार। अब हमें इनर मार्किंग करनी है, तो इनर मार्किंग के लिए हमारी जो साइड लॉबीज होती हैं, जो साइड लॉबी है इस लॉबी को मार्क करेंगे यहाँ पर। इसको मार्क कैसे करेंगे, एंड लाइन पर मीटर टेप रखकर हम यहाँ पर 46 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट इधर लगा लेंगे। सेम इस लाइन से इधर 46 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट इधर लगा लेंगे। सेम हमें इस वाली लाइन पर करना है मीटर टेप रखकर 46 सेंटीमीटर इधर और 46 सेंटीमीटर इधर, इस वाली लाइन से इधर 46 सेंटीमीटर, इस वाली लाइन से इधर 46 सेंटीमीटर, और फिर इन पॉइंट्स को हम मार्क कर लेंगे। ये हमारी साइड लॉबीज बन के हो गई तैयार। अब हमें बैक लॉबी मार्क करनी है, तो ये 76 सेंटीमीटर की होती है। इसमें हमें क्या करना है, साइड लाइन पर मीटर टेप रखकर 76 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट इधर, सेम 76 सेंटीमीटर, सेम काम हमें दूसरी तरफ करना है, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, और फिर इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारी बैक लॉबीज बन के हो गई हैं तैयार। अब हमें इसमें जो अगला काम करना है वो है हमारा शॉर्ट सर्विस लाइन मार्क करना। उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से 1.98 मीटर की दूरी पर ये होती है, तो हम यहाँ से पूरा मीटर टेप रखकर 1.98 मीटर पर एक नेल इधर, एक 1.98 मीटर पर एक नेल इधर, सेम कोर्ट के दूसरी तरफ 1.98 मीटर, 1.98 मीटर, और फिर हम इन्हें मार्क कर लेंगे। ये हमारी शॉर्ट सर्विस लाइन हो गई। अब हमें सेंटर सर्विस लाइन मार्क करनी है, तो सेंटर सर्विस लाइन मार्क करने के लिए ये हमारी जो एंड लाइन डिस्टेंस है 6.10 मीटर्स, इसके जस्ट हाफ पर 3.05 मीटर्स पर हम एक नेल पॉइंट करेंगे यहाँ पर, मार्क एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर इस लाइन पर। सेम हमें इधर लेना है एंड लाइन पर 3.05 मीटर की डिस्टेंस पर, और फिर हमें इसे पूरे पर मीटर टेप रखकर इसे मार्क कर लेना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सेंटर सर्विस लाइन होगी, जो कोर्ट को दो पार्टीशन में डिवाइड करती है, वो शॉर्ट सर्विस लाइन से आगे मार्क नहीं होगी, बाकी पीछे पूरे कोर्ट में ये मार्क होती है। शॉर्ट सर्विस लाइन के आगे का एरिया जो होता है वो खाली रहता है। तो ये था मार्किंग प्लान बैडमिंटन कोर्ट का हाफ डायगोनल से। अब हम इसे ग्राउंड पर मार्क करके देखेंगे कि ग्राउंड पर इसे कैसे मार्क करना है। जब हमारे पास पोल्स पहले से लगे हुए हों तो इसे ग्राउंड पर कैसे मार्क करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेथड आपकी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।